मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों के लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब अलग अलग जिलों के परिवहन कार्यालय में लाइसेंस नहीं बनेगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने आरटीओ का काम देख रही कंपनी को निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ने का काम जोरों पर चल रहा है। आगामी दो दिनों के भीतर ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। दो दिन में स्मार्ट चिप कंपनी परिवहन विभाग की वेबसाइट को अपडेट कर देगी। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में 30 मई को हुई बैठक में आधार से लिंक करने पर विचार किया गया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस में हो रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए यूनिवर्सल लाइसेंस लाने का फैसला लिया है। सरकार ने परिवहन मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में नए ड्राइविंग लाइसेंस का प्रारूप का जिक्र किया था। तो आपको बता दें, अब ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। जानकारी मिल रही है कि दो दिन के अंदर ही लिंक करके जो जानकारी है वो वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी।